हेलो वो दोस्तों कैसे हैं आप सभी एक बार फिर मैं सिद्धार्थ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में करियर भाई में दोस्तों आज का विषय थोड़ा सा बड़ा है आज हम जानने वाले हैं कि आईटी इंडस्ट्री के अंदर करियर पाथ्स क्या क्या हो सकते हैं मैं जानता हूं कि ये एक बहुत बड़ी और वास्ट इंडस्ट्री है जिसके अंदर बहुत सारे करियर ऑप्शंस हो सकते हैं बहुत सारे जॉब रोल्स हो सकते हैं जिसके लिए लोगों को हायर किया जा सकता है लेकिन एक ज़्यादा से ज़्यादा हम कहें कि यहाँ पर जो है वो शॉर्ट फॉर्म में या इन नक्शल में आपको बताने की कोशिश करने वाला हूँ कि इन शॉर्ट यहाँ पर कैसा करियर पाथ हो सकता है अगर किसी को आईटी इंडस्ट्री में जाना है तो उस बच्चे ने या उस स्टूडेंट ने क्या करना चाहिए और आगे चल के इसके जो दो ब्रॉड टाइप्स पढ़ते हैं वो क्या हैं तो इस सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह अगर आप इस चैनल पर नए हैं अब तक तो आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो भैया जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं तो दोस्तों आईटी इंडस्ट्री यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री ये नाम सुनते ही बहुत सारे लोग जो हैं वो आजकल ऐसे हो जाते हैं कि हाँ बस इसी इंडस्ट्री में जाना है इसी इंडस्ट्री में पैसा है इसी इंडस्ट्री में अच्छा करियर बन सकता है तो ऐसा क्यों कहते हैं भाई लोग क्योंकि ये इंडस्ट्री जो है वो कुछ सालों में इतनी ज़्यादा बूम हो गई है जैसे जैसे इंडिया के अंदर जो है वो ये आईटी कंपनियां बढ़ती चली गई आईटी नीड्स बढ़ती गई वैसे वैसे इस इंडस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा बूम देखने को मिला हालांकि पिछले कुछ सालों में जो है वो यहाँ पर कुछ जो है वो मुश्किलें भी सामने आई हैं या इस इंडस्ट्री में जो है वो ओवर क्राउडिंग की समस्या बहुत आने लगी है जिसकी वजह से इस इंडस्ट्री में जॉब पाना भी एक कट थ्रोट कॉम्पिटिशन बन गया है क्योंकि हर किसी को यही उम्मीद रहती है कि भाई मैं किसी तरीके से अगर आई इंडस्ट्री में चला गया तो भाई मुझे बहुत अच्छा पैसा मिलेगा मुझे अच्छे कंपनी में काम करने का मौका मिलेगा फिर मेरा बहुत बढ़िया करियर होगा लेकिन यही सोच करके बहुत सारे लोग इस इंडस्ट्री में जा रहे हैं जिसकी वजह से कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है अब इस इंडस्ट्री के अंदर जो है वो दो स्ट्रेट पार्ट्स पड़ते हैं ऐसे व्यक्ति जो यहाँ पर हार्डवेयर के ऊपर काम करते हैं और ऐसे व्यक्ति जो यहाँ पर सॉफ्टवेयर के ऊपर काम करते हैं और उसके अंदर भी अगर देखा जाए तो सॉफ्टवेयर के ऊपर काम करने वाले व्यक्ति ज़्यादा है क्योंकि वो जॉब लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा हम कहें कि कंफर्टिंग लगता है एक ही ऑफिस में जाना है एक ही डेस्क में बैठना है रोज़ का काम करना है रोज़ के आवर्स भर जाए उसके बाद घर वापस आ जाना है तो ये जॉब लोगों को और भी ज़्यादा जो है वो सहूलियत वाला लगता है इसकी वजह से सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के अंदर ज़्यादा लोग अभी जा रहे हैं अब बात करें अगर इस इंडस्ट्री के अंदर के एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस की कि जनरली कौन से एजुकेशनल बैकग्राउंड वाले लोगों को यहाँ पर ज़्यादा प्रेफर किया जाता है तो ऑब्वियसली यहाँ पर बी बी टेक तो है ही साथ ही साथ यहाँ पर बी एस यानी कि बैचलर ऑफ साइंस विथ कंप्यूटर साइंस अगर उन्होंने मेजर सब्जेक्ट लिया है तो ऐसे कैंडिडेट्स को भी प्रेफ़र किया जाता है इसी के साथ साथ बी सी ए हो सकता है बैचलर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस तो ऐसे जिन्होंने यहाँ पर सर्टिफिकेट कोर्सेज कंप्लीट किए हैं ऐसे कैंडिडेट्स को भी काफ़ी ज़्यादा प्रेफर किया जाता है और अगर मास्टर्स की बात करें तो एम टेक एम सी एम एस सी इन कंप्यूटर्स मास्टर्स इन सिस्टम मैनेजमेंट वगैरह ऐसे जो कोर्सेज जिन्होंने कंप्लीट किए हुए हैं ऐसे कैंडिडेट्स को फिर हायर पोजीशंस के लिए भी ज़्यादा यहाँ पर जो है वो प्रेफर किया जाता है तो जिन स्टूडेंट्स को आगे चल करके के आई में ही करियर बनाना है ऐसे स्टूडेंट्स ने किस तरीके से प्रिपरेशन करनी चाहिए और कहाँ से शुरुआत करनी चाहिए तो मैं कहता हूँ कि दसवीं कक्षा के बाद ही आप जो है वो अगर आईटी सेक्शन में जाना चाहते हैं आईटी फील्ड में जाना चाहते हैं तो उस लिहाज से तैयारियां शुरू कर दीजिए ट्वेल्थ स्टैंडर्ड में आपकी मैथमेटिक्स केमिस्ट्री और फ़िज़िक्स ये तीन सब्जेक्ट जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो सब्जेक्ट्स में आपको महारत हासिल होनी ही चाहिए अगर स्कूल के टाइम से आपका फ़िज़िक्स केमिस्ट्री मैथ्स ये तीन सब्जेक्ट ज़्यादा अच्छे हैं तो आगे चल कर के आपको ये सारी चीज़ें करना और ज़्यादा आसान हो सकता है और ऑब्वियसली बारहवीं क्लास के बाद जो है वो उनको नेशनल लेवल या स्टेट लेवल की जो है वो कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम देनी ही पड़ती है तो उसका प्रिपरेशन भी अगर आप थोड़ा थोड़ा पहले से ही करते रहेंगे यानी कि जनरल उसके क्वेश्चन पेपर्स किस तरीके के आते हैं उसके अंदर किस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं उसके लिए अलग से कोचिंग भी लगाई जा सकती है तो वो अगर आप पहले से प्रिपेयर करते रहेंगे तो एक्चुअल एग्ज़ाम के अंदर आपको और ज़्यादा आसानी इसमें हो सकती है और ये जो एग्ज़ाम्स होती हैं वो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं क्योंकि यहाँ पर जो है उस एग्ज़ाम में ये स्टूडेंट्स किस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं कितने मार्क्स लेके आ रहे हैं इसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें निर्भर करती हैं कि ये स्टूडेंट्स आगे चल करके कौन से कॉलेज में जाएंगे उस कॉलेज का स्टैंडिंग क्या होगा फिर अगर किसी स्पेशल कॉलेज में आपको एडमिशन चाहिए तो उसके लिए फिर क्या प्रोसीजर रहेगी आपकी मार्क्स के अनुसार आपका नंबर लिस्ट में कौन से स्थान पर आ सकता है ये सारी चीज़ें जो है वो उसी के ऊपर निर्भर करती हैं कई बार तो ऐसा होता है कि किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट में ये कॉमन एंट्रेंस टेस्ट में मार्क अच्छे नहीं आए इसकी वजह से जो उनका डिज़ायर्ड स्ट्रीम होता है उसके अंदर वो जा नहीं पाते हैं तो इस तरीके से जो है वो आपको पहले से ही प्रिपरेशन करनी पड़ेगी कि आपको कौन से स्ट्रीम में जाना है उसके लिए कौन सा सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के लिए किस तरीके से प्रिपरेशन की जाए इस सभी के बारे में आपको बिफोर हैंड सोचना पड़ेगा और ऑब्वियसली आप कौन से कॉलेज से ये डिग्री परस्यू करते हैं इसे भी बहुत ज़्यादा महत्व आजकल आ गया है बहुत सारी कंपनियां ये भी देखती हैं कि ठीक है इन्होंने इंजीनियरिंग की हुई है लेकिन कौन से कॉलेज से की है उस कॉलेज का स्टैंडिंग क्या है कितना उस कॉलेज का रेपुटेशन अच्छा है कितना बुरा है ये सब कुछ देखा जाता है तो जनरली तो क्या है कि सारे लोग ट्राई तो इसीलिए करते हैं कि हम आईआईटी में चले जाएं, एनआईटी में चले जाएं या बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में चले जाएं जो कि काफ़ी ज़्यादा रेप्यूटेड कॉलेजेस हैं या हम कहें कि वन ऑफ दी रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट्स हैं लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस हैं और आजकल तो ऐसे प्राइवेट कॉलेजेस की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई है हर गली चौबारे पर आपको जो है वो ऐसे कॉलेजेस मिल जाते हैं लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि, कि किसी रेप्यूटेड और अच्छे यहाँ पर कॉलेज से या यूनिवर्सिटी से आपको इंजीनियरिंग करना पड़ेगा तो दोस्तों कई बच्चे जो है वो अगर डिग्री के लिए एडमिशन नहीं ले पाते हैं सो दे कैन गो फॉर डिप्लोमा तो डिप्लोमा कोर्सेज भी हमारे देश के अंदर बहुत सारे आईटी सेक्टर के ऑफर किए जाते हैं और इनमें से जो लीडिंग इंस्टीट्यूट है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आती है वो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एन आई ई एल आई टी तो ये एक बहुत ही ज़्यादा रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशन है जहां से आप आपका डिप्लोमा कंप्लीट करते हैं तो काफ़ी अच्छा उसको स्टैंडिंग मिल सकता है क्योंकि ये गवर्नमेंट की इंस्टीट्यूशन है और यहां से जो बच्चे पास आउट होते हैं उनको जनरली नौकरी में प्रेफरेंस अच्छा मिलता है तो देखिए अगर इस फील्ड में आपको सक्सीड करना है तो केवल मेरे पास डिग्री है इतना ही काम हो करके जो है वो बात नहीं बन सकती है आपके पास कुछ पर्सनल स्किल्स होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं आपको हमेशा जो है वो एक लर्निंग एटीट्यूड रखना बेहद ज़रूरी है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ नया सीखते रहना पड़ेगा क्योंकि ये इंडस्ट्री जो है वो हर दिन बदलती रहती है इसके अंदर हर दिन नई नई चीज़ें आती रहती हैं तो इसकी वजह से जो है वो आपको एक लर्निंग एटीट्यूड रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इसके अलावा यहाँ पर आपके पास एक एनालिटिकल माइंड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस फील्ड में आजकल जो है वो प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है तो अंडर प्रेशर काम करने की क्षमता होना बेहद ज़रूरी है इसी के साथ साथ कम्युनिकेशन स्किल्स आपके अच्छे होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है टीम में काम करना आना चाहिए तो ये सारी ही चीज़ें ऐसी हैं जो कि एक प्रॉपर कॉर्पोरेट कंपनी में आ, आप अगर काम करते हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा काम में आने वाली है और कम्युनिकेशन स्किल्स मतलब रिटर्न कम्युनिकेशन स्किल्स भी अच्छे होने चाहिए और वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स भी अच्छे ही होने चाहिए आप स्पेशली अगर सॉफ्टवेयर में जाना चाहते हैं कोडिंग में जाना चाहते हैं तो वैसे भी आपका मैथमेटिक्स वग़ैरह जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होना ज़रूरी है अगर आपको इसी फील्ड में आना है और अभी आप स्कूल में पढ़ रहे हैं मेरा वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपको बता दूँ कि आप मैथेमेटिक्स के ऊपर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करें मैथेमेटिक्स और सेकेंडरी आता है आपका फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री ये तीन सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनके ऊपर आपको फोकस ज़्यादा करना है और उसमें भी अगर देखा जाए तो मैथ्स की तरफ थोड़ा और ध्यान देना ज़रूरी है अब बात आती है कि यहाँ पर क्या फॉरेन की डिग्री होने से ज़्यादा फ़ायदा मिल सकता है तो मैं कहूँगा कि कुछ प्रतिशत हाँ लेकिन कुछ ही प्रतिशत हंड्रेड परसेंट कंपनीज़ में ऐसा नहीं होता है कि कोई अगर कैंडिडेट uh, फॉरेन की किसी यूनिवर्सिटी से पढ़ के आया हुआ है वहाँ से उसने इंजीनियरिंग की हुई है तो वो बेस्ट कैंडिडेट है ऐसा नहीं माना जाता है कुछ कंपनीज़ में इससे फ़र्क पड़ता है कुछ कंपनीज़ में नहीं पड़ता है क्योंकि कुछ कंपनीज़ का सोचना ये होता है कि उसने डिग्री कहाँ से की है ये हमें ज़्यादा मायने नहीं रखता है बल्कि वो अपने काम में कैसा है उसके एक्चुअल स्किल्स कैसे हैं उसका एक्सपीरियंस कैसा है ये ज़्यादा मैटर करता है अब ये पोजीशन टू पोजीशन डिफर हो सकता है कि भाई पोजीशन अगर फ्रेशर की है तो हो सकता है कि जो बाहर से पढ़ के आया हुआ है उसको प्रेफरेंस थोड़ा सा ज़्यादा मिले कि भाई किसी रेप्यूटेड बाहर के देश के यूनिवर्सिटी से ये पढ़ के आया हुआ है लेकिन अगर पोजीशन कोई ऐसी है जिसके अंदर यहाँ पर एक्सपीरियंस की ज़्यादा ज़रूरत है तो मैटर नहीं करेगा कि उसने इंडियन इंस्टीट्यूट से यहाँ पर पढ़ाई की हुई है या बाहर से की हुई है बल्कि मैटर ये करेगा कि उसने कितना काम किया हुआ है पहले उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा है किस टाइप के प्रोजेक्ट्स पर काम किया हुआ है ये ज़्यादा मैटर करेगा अब बात ये करते हैं कि इस इंडस्ट्री के अंदर करियर पाथ्स क्या हो सकते हैं तो देखिए जैसा कि मैंने पहले कहा कि इस इंडस्ट्री के अंदर दो सेपरेट पार्ट्स या हम कहें कि मेजर पार्ट्स पढ़ते हैं एक आता है सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री एक आता है हार्डवेयर इंडस्ट्री तो हार्डवेयर के अंदर भी आपको जो है वो यहाँ पर मेंटेनेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग इनमें से किसी भी लाइन में जाने का मौका मिल सकता है तो हार्डवेयर मतलब क्या है कि एक्चुअल जो कंप्यूटर्स में कुछ चिप्स लगती हैं या हार्ड ड्राइव्स लगती हैं या स्क्रीन वगैरह लगते हैं तो उनका मैन्युफैक्चरिंग का प्लांट हो सकता है उसके अंदर रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम हो सकता है उसके मेंटेनेंस का काम हो सकता है तो इस फील्ड में आप जा सकते हैं सॉफ्टवेयर की बात करें तो जो एप्लीकेशंस होते हैं उनका भी मेंटेनेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट मैन्युफैक्चरिंग इसके अंदर आप जा सकते हैं लेकिन सॉफ्टवेयर के अंदर जो है वो आपको केवल और केवल यहाँ पर मोर और लेस यहाँ पर जो है वो सॉफ्टवेयर किस तरीके से काम करेगा इसके अंदर कौन से कोड डालने चाहिए इसके अंदर लेआउट कैसा आना चाहिए ये कंप्यूटर के ऊपर का काम ज़्यादा होता है हार्डवेयर के अंदर आपको एक्चुअल जो है वो कंप्यूटर के पार्ट्स के साथ डील करना पड़ता है इसी के साथ साथ अगर आप सॉफ्टवेयर में जाते हैं तो कंप्यूटर ऑपरेशंस डाटा बेस मैनेजमेंट वगैरह ये सारी चीज़ें भी उसके अंदर आती हैं तो अब यहाँ पर इस इंडस्ट्री के अंदर पॉपुलर जॉब डेजिग्नेशनस कौन से कौन से हैं ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों के मैं आपको बता रहा हूँ तो इसके अंदर आपका आता है देखिए हार्डवेयर इंजीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर इसी के साथ साथ इंफॉर्मे इंफॉर्मेशन सिस्टम्स मैनेजर प्रोग्रामर नेटवर्क सिस्टम्स एंड डाटा एनालिस्ट सिस्टम एनालिस्ट डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर सिस्टम्स एडमिनिस्ट्रेटर सपोर्ट स्पेशलिस्ट कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन साइंटिस्ट स्कूल स्लैश कॉलेज कंप्यूटर टीचर एंड कॉलेज और यूनिवर्सिटी प्रोफेसर तो ये सारे रोल्स जॉब रोल्स जो हैं वो आप परसिव कर सकते हैं इसी के साथ साथ सॉफ्टवेयर में अगर आप जाते हैं तो नेटवर्किंग वेब डिज़ाइनिंग सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग गेमिंग सिस्टम डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन सॉफ्टवेयर टेस्टिंग सिक्योरिटी डेस्कटॉप सपोर्ट टेक्निकल राइटिंग ई कॉमर्स सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग ये सारी चीज़ें भी इसके अंदर आ सकती हैं तो दोस्तों ये तो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी जो कि कंपनीज़ के अंदर कौन से कौन से जॉब टाइटल्स आपको यहाँ पर ऑफ़र किए जा सकते हैं इसके बारे में लेकिन ज़रूरी नहीं लेकिन ज़रूरी नहीं कि जिस स्टूडेंट ने यहाँ पर आईटी की पढ़ाई की हुई है उसकी शिक्षा प्राप्त की हुई है वो आगे चलकर किसी आई कंपनी में ही काम करे वो अपनी खुद की आई कंपनी भी स्टार्ट कर सकता है आजकल स्टार्टअप का बहुत ज़्यादा जो है वो जोरों शोरों से प्रमोशन हो रहा है बहुत सारे लोग जो है वो अपना खुद का स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं तो इस फील्ड में भी आप ज़रूर जा सकते हैं हाँ इसके लिए थोड़ा सा आपको पेशेंस ज़रूर रखना पड़ेगा और इस फील्ड में अगर जाना है अपना खुद का स्टार्टअप यहाँ पर डेवलप करना है तो उसके लिए केवल कुछ आपके जो सिलेबस का नॉलेज है उतना होकर के काम नहीं चलेगा आपके पास कुछ बिज़नेस टैक्टिक्स और कुछ बिज़नेस का नॉलेज होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि आपके इनिशियल दिनों में जो है वो आपको वर्कर भी आप हैं मालिक भी आप हैं तो आप ही को अपना बिज़नेस आगे बढ़ाना है उसके एडवर्टीज़मेंट करनी है ज़्यादा से ज़्यादा क्लाइंट लेके आने हैं और अपनी कंपनी को बड़ा करना है तो आज जो तारीख़ में आप कंपनियां देख रहे हैं वो भी ऐसे ही छोटे हिस्से से ही शुरू हुई थी उन्होंने अपने बिज़नेस के ऊपर काम किया अच्छा काम किया ज़्यादा से ज़्यादा क्लाइंट्स लाने की कोशिश की और अपनी कंपनी को बहुत बड़ा बना लिया और ये चीज़ आप भी कर सकते हैं अगर आपके पास वो बिजनेस माइंड है वो सारी टैक्टिक्स अगर आप जानते हैं तो फिर आप ये सारी चीज़ें भी कर सकते हैं अब बात करते हैं यहाँ पर सैलरीज की तो ऑनेस्टली अगर आपको बताना चाहूँ तो कुछ साल पहले तक जब आईटी इंडस्ट्री उतनी ज़्यादा बूम में नहीं थी जब एक्चुअली आपके पास आईटी प्रोफेशनल्स की कमी थी तब इस इंडस्ट्री में बहुत अच्छी अच्छी सैलरीज ऑफर की जाती थी लेकिन आज के तारीख में बात यह हो गई है कि बहुत ज़्यादा कट थ्रोट कॉम्पिटिशन हो गया है ऑप्शनस बहुत सारे हो गए हैं तो इसकी वजह से क्या हुआ है कि लेबर काफ़ी ज़्यादा चीप हो गया है यानी कि कोई अगर फ्रेशर लड़का जाता है या लड़की जाती है किसी कंपनी में काम मांगने के लिए तो उनकी सैलरीज पहले जितनी हाई हुआ करती थी स्टार्टिंग की उतनी ज़्यादा आजकल नहीं होती है अगर कोई जूनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर के पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहा है तो उसकी सैलरी एक लाख बीस हज़ार रुपये से स्टार्ट होकर के तीन लाख छः हज़ार रुपये एनुअली तक की जा सकती है और अगर आप फिर उसके अंदर और ज़्यादा एक्सपीरियंस होते हैं तो फिर आप तीन से पाँच के ग्रुप में जाते हैं उसके बाद आप पाँच से आठ के ग्रुप में जाते हैं फिर आठ से दस लाख रुपए पर एनम के ग्रुप में भी आप जा सकते हैं और अगर आप एकदम ही हाईएस्ट पोजीशन में जाते हैं आपका एक्सपीरियंस अच्छा खासा है आपने चार पांच कंपनियों में काम कर रखा है और बहुत बड़े प्रोजेक्ट के लिए आपको लिया जा रहा है फिर आपको लाख रुपए महीना भी मिल सकता है यानी कि बारह लाख रुपए का पैकेज भी यहाँ पर मिल सकता है और कुछ कुछ कंपनियों में तो डेढ़ लाख दो लाख रुपये तक की भी सैलरी चली जाती है लेकिन ये सब कुछ कब जब आपका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा खासा हो जाता है अगर आप एक फ्रेशर की तरह यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं तो इनिशियल सैलरी यहाँ पर लो ही होने वाली है अननेस अंटिल आप बहुत ही ज़्यादा ब्राइट हैं और आपका एजुकेशनल ट्रैक रिकॉर्ड जो है वो बहुत ही ज़्यादा एक्सेप्शनल है तो हो सकता है कि कोई मल्टीनेशनल कंपनी इंटरनेशनल कंपनी जो है वो आपको अच्छा खासा सैलरी पैकेज जो है वो ऑफ़र कर सकती है लेकिन हर एक स्टूडेंट जो निकलता है वो ब्रिलियंट ही निकलेगा ऐसा कुछ गारंटी तो नहीं दी जा सकती है तो एक एवरेज स्टूडेंट के हिसाब से अगर देखा जाए तो सैलरी जो है वो डेढ़ लाख रुपए से लेकर के तकरीबन डेढ़ लाख रुपए से लेकर के तीन साढ़े तीन लाख रुपए तक की हो सकती है और ये मैं एनुअली बता रहा हूँ मंथली नहीं तो दोस्तों कुल मिलाकर के ये पूरा लेखा जोखा है अगर आपको आईटी इंडस्ट्री में जाना है तो आपको शुरुआत से किस तरीके से प्रिपरेशन करनी चाहिए इस इंडस्ट्री के अंदर कौन से कौन से स्किल्स आपको लगने वाले हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है वो कौन से कौन से देखे जाते हैं और जनरल इस इंडस्ट्री के अंदर कौन से कौन से डेजिग्नेशनस होते हैं इस सभी के बारे में हमने चर्चा कर ली है तो दोस्तों अगर आज का वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए आपके कुछ सवाल हैं तो नीचे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख सकते हैं